मुहि समयह अनुभयेउ न दूजे सब पायेउ रज पावनी पूजे सब पायेउ रज पावनी पूजे पावनी पूजे अनुभय मैंने जान कर माइक लिया कि मैं जितना जानता हूं महाराज जी के संबंध में उतना कदाचित मेरे और उद्गुरु भाई नहीं जानते। एक बार रामचंद्र दास महाराज जी ने मुझसे कहा कि श्रीमान मैं क्या क्या सुनूं आपसे। मैंने कहा आप जो कहेंगे सुनाऊंगा। कहा कि नारायण दास सिद्ध भक्तमान सुना को ठीक है, मुझे बताइए मैं आपको क्या सुनाऊं और सुनाऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमें समझ में नहीं आता, हम कहे तो आपकी लीला आपको सर समझ में आता है फिर भी बताइए। कहा नहीं, मेरा मन है मेरा मन है कि मन्वर्थ मुक्तावली आपसे सुनूं। मैंने कहा ठीक है। तो प्रतिदिन हम लोग ऊपर वाला छत ना है नहीं है जहां धूप ऊप रहती है वहीं हम दोनों बैठते थे बाल भोग प्रसाद के पश्चात। उनको मैं मन्वर्थ मुक्तावली सुनाता था रामचंद्र दास। सोचो मन्वर्थ मुक्तावली क्या है, मैं आप लोगों को एक क्षण बता दूं आपको रामचंद्र दास। अब रामचंद्र दास को मुझे तैयार करने इस बालक को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मन्वर्थ मुक्तावली क्या है शायद राजा रामदास तुम भी नहीं जानते हो। मन्वर्थ मुक्तावली है मनुस्मृति पर जो कुलूक भट्ट ने टीका लिखी उस टीका का नाम है मन्वर्थ मुक्तावली। वो टीका उन्होंने मुझसे सुनी प्रेम से और मैंने प्रेम से पूरा उसका पूर्व पर पक्ष सुनाया। एक दिन बोले श्रीमान जी आज मेरा मन है कि मैं आपसे कुछ पूर्व पक्ष करूं। मैंने कहा महाराज ऐसा मत बोलिए, मैं उत्तर में कैसे दूंगा आपके पूर्व पक्षों का, आप आशीर्वाद। कहा नहीं नहीं मुझे मन है। कभी कभी गुरु शिष्य में भी पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है। तो हमने भी कहा ठीक है, यदि आपका मन है तो आनंद हो। आप विश्वास करो रामचंद्र दास जी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पर उन्होंने 100 पूर्व पक्ष किए और 100 के मैंने उत्तर दिए और अपने भाष्य में उन सारे पूर्व पक्षों को मैंने लिखा भी है। सारे पूर्व पक्षों को लिखा। हमने कहा महाराज ईश्वरदास जी महाराज मेरे दीक्षा गुरु ने मुझसे कहा था कि बेटे इतने बड़े विद्वान बनोगे कि तुम्हारी और तुम्हारे समय में तुम्हारे युग में तुम्हारे बराबर का कोई विद्वान नहीं होगा। तो महाराज जी ने कहा हाँ, उनका वह आशीर्वाद अब सफल हो रहा है, अब मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। यही कहा और यह कहकर मैं उनको प्रणाम कर चलाया और 3 महीने के पश्चात वो भगवान के धाम पधार गए। तो गुरुजनों का आशीर्वाद जीवन में बहुत लाभ करता है। आज्ञा सीताराम, पर मैं ही बोल रहा हूं भी चुप रहो। गुरुजनों का आशीर्वाद जीवन में बहुत लाभ करता है और मैंने तो देखा है वह लाभ। सौभाग्य है आप लोगों का,
हमने तो हमारे यहाँ तो दीक्षा गुरु दूसरे थी, शिक्षा गुरु दूसरे, पर तुम्हारे यहाँ दोनों बातें एक ही में है, टू इन वन हूँ मैं, टू इन वन हूँ। तो मेरा जितना लाभ हो सके उतना लाभ लिया जाए और भारत की प्रतिभा का एक बार फिर जागरण हो, यह कहकर मैं यह माइक फिर अपने सुयोग्य उत्तराधिकारी वात्सल्य भाजन आयुष्मान रामचंद्र दास जी को दे, आचार्य रामचंद्र दास को दे रहा हूँ। वो तीनों गुरु अपने गुरु का अकाउंट से थोड़ा थोड़ा बुलवाएं। श्री जगत गुरु जी हमारे बड़े गुरु, हम उससे बड़े हैं जो, किंतु अभी आचार्य गद्दी पर उनका स्थान है और हमारे पर उनका आशीर्वाद रहेगा, बस इतना ही हम चाहते हैं। क्या बात है, आचार्य हरिदास जी कह रहे हैं कि अवस्था में मैं बड़ा हूं पर व्यवस्था में जगत गुरु जी बड़े हैं। पद में पद में। हाँ। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, श्री राम शरणम रामम बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः, रामात्रस्यति काले भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे, रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे, राम तुमे वाश्रया। परमादरणीय जगद्गुरु एवं गुरुभ्राता, आप अच्छी बात हुई, श्री महाराज जी को सादर दंडवत करते हुए विराजमान सभी संतों एवं भक्तों को यथायोग्य दंडवत एवं शुभाशीर्वाद। सूर्य के सामने दीपक का कोई महत्व नहीं, लेकिन गुरु श्री महाराज जी का आदेश है कि कुछ दो शब्द सुनाए जाएं। आप सब श्री महाराज जी के श्रीमुख से अमृत वाणी श्रवण कर रहे हैं, इसमें कोई कहने की कोई बात नहीं, फिर भी जैसे गोस्वामी जी ने कहा है कि अपने अपने भाव से अपना अपना भाव व्यक्त किया जाता है, तो शास्त्रों में कहा गया है, एक कवि ने कहा है, कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाऊँ ढोल, स्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल, आयुषा क्षण एकोपि न लभ्या स्वर्ण कोटि भी, यह निरर्थक नीता का हानिस्तोधिका। कहने का तात्पर्य है, लोग पैसे का बहुत महत्व देते हैं, व्यवहार का बहुत महत्व देते हैं, लेकिन जो ये मानव शरीर, जो देवता जिसके लिए तरसते हैं, वह मानव शरीर का जो है एक एक क्षण बहुत ही मूल्यवान है, और उसको हम लोग खाने में, सोने में, गप में, इधर उधर की व्यवस्था में और भौतिक कार्यों में ही व्यतीत कर दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी हानि है। आप सबसे हमारा निवेदन है कि जैसे धन से प्यार करते हैं, परिवार से प्यार करते हैं, मित्रों से प्यार करते हैं, उससे अधिक अपनी अवस्था का ध्यान रखें, आयु को ध्यान रखें, एक एक क्षण जो है बहुत अमूल्य है, इसलिए कोई भी क्षण जो है श्वास श्वास प्रति हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, ये बहुत दुर्लभ मानव शरीर है, इसलिए हरदम हमारे गुरु जी कहा करते थे, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम लेना चाहिए, और कलयुग में केवल नाम का ही महत्व है, न यज्ञ है न तप है न और साधन है, और नाम ही जो है पार करेगा, इसलिए आप सब कथा सुनते रहिए, भगवान का नाम जपते रहिए और इसका महत्व रखिए। जय श्री सीताराम। इदानीम अस्मत् कनिष्ठ गुरु भ्रता शास्त्रार्थ निष्णातः आचार्य रामचंद्र दास प्रतिभक्ति। अच्छा महाराज बोले, हाँ वही तो। ओम शांति 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 शांति, जय राम दास भक्ति।
वैदेही सहितं सुरद्रुमतले मे महामंडपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितां अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं श्रीरामं भजे श्यामलं श्रीरामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौसल्यासुक्तिसम्भूतं जानकी कंठभूषण मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विषय विषय वस्तु बोलिए। परम आध्यात्म का तत्व भगवान का नाम है। श्री राम ये परम ब्रह्म, श्री राम ये परम तप, श्री राम ये परम तत्त्वम, श्री रामो ब्रह्म तारकम। आइए आप सब हम लोग दो बार भगवान नाम स्मरण संकीर्तन कर दें। विषय विषय कहा जाए, समय नहीं रह गया। एक मिनट महाराज कीर्तन। सीता राम 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 सीता राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गौ संत सेवी अखिल भारती जगत गुरु धर्म सम्राट धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गौ संत सेवी वैष्णव आश्रम उत्तर द्वार श्री हरिदास जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गौ संत सेवी परम सुहृद बाल्यकाली संत प्रयाग पीठाधीश्वर वाह श्री राम रतन दास जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए हम विशेष न कुछ कह करके समय के अत्यंत अभाव को देखते हुए वाणी को विराम देंगे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रीमद् जगद्गुरु तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज, कवि ने लिखा है, तीर्थ गए एक फल संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार।
हमने कल वो चमत्कार देखा कि प्रथम परिचय में एसपी नयगढ़ का सपत्नीक श्री महाराज जी से दीक्षा ग्रहण किया तत्काल तत्क्षण अविलंब, और वो भावुकता देखा उन्होंने उनके अंदर। हमारे तुलसी पीठ के आचार्य भावी रामानंदाचार्य जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर होने वाले भावी श्री रामचंद्र दास जी महाराज की अल्प प्रेरणा से उनकी बुद्धि निर्मल हो गई और तत्काल तत्क्षण अविलंब पुलिस का ऑफिसर श्री महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर के साष्टांग प्रणाम होकर के दीक्षा ग्रहण किया। तो तीर्थ गए एक फल संत मिले फल चार, चार फल कौन? अर्थ धर्म काम मोक्ष। जो श्री तीर्थराज प्रयाग में चारी पदार्थ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश यति चारु। श्रीमद् जगद्गुरु जी महाराज यद्यपि संतों के दर्शन से अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव काले न फलते तीर्थ सद्य साधु समागम। गुरु शब्द का अर्थ, अब सूर्य के सामने दीपक दिखाना अनुचित है, हम लोग सरिता हैं, श्री महाराज जी सागर हैं। गु शब्दस्तु अंधकार स्यात् रु स्यात् तन्निरोधकः। गु का मतलब अंधकार, रु का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर शिष्यों को अग्रसर करे वो सद्गुरुदेव भगवान है। ऐसे परम पूज्य प्रातःस्मरणीय गौ संत सेवी श्री तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए जय श्री सीताराम। वाह गुरु भाई, जय रामदास जी की जय। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। मैं अपने गुरु भ्राता वयोवृद्ध तपोवृद्ध ज्ञान वृद्ध वैष्णवाश्रम के महंत श्री हरिदास जी को अपनी रचना रामानंदाचार्य चरित्र दे रहा हूँ। अभी लिखा मैंने इसको, इसी वर्ष लिखा है महाराज। 27 सर्गों का महाकाव्य है ये, दोनों को दे दिया था ना पहले। लो इनको भी चकाचक हो गया, अब आऊंगा तो खूब माल पानी कटाना यार। अकेले अकेले माल पानी खाते रहते हो। अब तो जगत गुरु का प्रत्येक आश्रम में जगत गुरु का अधिकार होता है, कम से कम प्रत्येक आश्रम के लोग 10% दें जगत गुरु को। हाँ अच्छा लगा। हाँ इदानी बुदावली अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुज बन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगहनम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। सीढ़ियां तो नहीं होगी इनके यहाँ, सीढ़ियां नहीं होंगी ना? सीढ़ी तो नहीं है। नहीं सीढ़ी नहीं है, आप नीचे वाले रूम में ऊपर नहीं उठी मंदिर। अच्छा अच्छा चल। जयति कवि कुमुद चंद्रो तुलसी हृदर सवर्धन तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत कविता कौमुदी पिबती श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा तुलसीम तुलसी पीठम सीतारामौ सलक्ष्मणौ मंदाकिनीं चित्रकूटम कामदम मारुतमस्तवे। इस श्लोक को भी लेटर हेड पर लिखाना चाहिए बड़ी इसमें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी
श्री राम चरित मानस विमल कथा करूं चित चाय आसन आई विराजे त्रिपवन पुत्र हरताये। चंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। सुभद्रा बलभद्र जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जय श्री सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। 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 तुलसी सीताराम कहो हृदय राख विश्वास। कबहु बिगरत नाथन से सीताराम के। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर सर्वांतर्यामी सर्वव्यापी सर्वांतरात्मा सर्व सर्वेश्वर भगवान श्री चित्रकूट विहारिणी विहारी जी श्री सीताराम जी की मंगलमयी प्रेरणा से हमारी दो यजमान दंपति दिलीप खंडेल तारा दिलीप खंडेलवाल और कविता अजय रामदास के यजमानत्व में आयोजित और हमारे दिलीप विष्णुचरण पंडा द्वारा संयोजित ये मेरी कथा जो है अपनी श्री राम कथा श्रृंखला की 1390वीं कथा के षष्ठ सत्र में समवेत सभी सभी संत जन विद्वत जन मित्रों माताओं बहनों बालिकाओं बालकों का मैं बहुत बहुत मंगल शासन कर रहा हूँ। हमारे गुरु भाई राम नहीं जय रामदास जी महाराज जो है वो संस्कृत में संस्कृत का उनको अभ्यास है। वो आचार्य भी हैं ये और इनको मुझे मेरे बड़े लाडले भी हैं तो मैं इनसे कहता हूँ जो जो भी छंद देखा है उसमें मैं तत्काल इनको एक छंद की एक रचना सुनाता हूँ फिर कथा कहूँगा। बताओ किनसे कौन से छंद सुनना चाहते हो। अरे तब तो तब हो जाएगा तब तब नहीं सुनाएंगे। अरे कोई छंद हो सिखरणी हो कि जाती हो कि मंदा क्रांता हो कि मालिनी हो जिस छंद में कहो उसे सुनाएंगे। तो अब आइए बहुत अच्छी चर्चा करते हैं। चौपाई वही है
बिनु पैद चले सुनई बिनु कानाम अग चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करई विधि आनन रहित सकन रस भोगी आनन रहित सकन रस भोगी बिनो बानी बकता बन जोगी तन बिनु परस नयन गहि ग्रह बिनु बात बिनु पैद चल भगवान की आठ विशेषताएं हैं। वो बिना चरण के चल लेते हैं, बिना कान के यहां इस पंक्ति का अर्थ न लगाया जाए कि भगवान के पास चरण नहीं है, अर्थ नहीं इसका। बिन पग चले का अर्थ है कि चरण का प्रयोग किए बिना भी वो चल सकते हैं, ये यहां कर दे। कान है पर श्रवण का प्रयोग किए बिना भी वो सुन सकते हैं। मुख का हाथ का प्रयोग किए बिना भी वो अनेक कार्य कर सकते हैं। मुख का प्रयोग किए बिना भी वो सकल रस का भोग कर सकते हैं। वाणी का प्रयोग बिना किए बिना भी वो बोल सकते हैं। त्वचा का प्रयोग किए बिना भी सब कुछ छू सकते हैं और आंख का प्रयोग किए बिना भी वो देख सकते हैं और नाक का प्रयोग किए बिना भी सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ये यहां का तात्पर्य। भाव ये है कि हम लोग इंद्रियों के वश में हैं, हम इंद्रियों के वश में हैं, पर भगवान इंद्रियों के वश में नहीं है, इंद्रियां भगवान के वश में हैं। क्यों रामचंद्र दास, यही अंतर है। हम इंद्रियों के वश में, मन इंद्रियों के बिना हम तत्त्व विषयों का सेवन नहीं कर सकते, पर भगवान क्या ऐसा नहीं है। वहां तो इंद्रियों की ओर पूजा करवाने के लिए हैं, अब ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब भगवान को इंद्रियों से काम नहीं लेना है तो क्यों इंद्रियां रखे हुए हैं। प्रश्न है कि नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। अरे जब चरण से काम नहीं लेना तो काहे को चरण रखे भैया, इसका उत्तर है कि भक्तों के आनंद के लिए भगवान ने इन इंद्रियों को स्वीकार किया है।
क्योंकि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवता। आगे पढ़िए। निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गो, निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान अपनी इच्छा से नहीं निर्माण करते शरीर का, ध्यान रखे, क्योंकि वेदांत ने भगवान की इच्छा नहीं मानी है, न्याय ने माना है। न्याय तो कहता है इच्छा भी एक गुण है और भगवान द्रव्य है, तो क्या कहते हैं उसका, द्रव्यमान द्रव्यमात्र वृत्तित्वम गुणत्वम गुणत्वम, पर वेदांत ने नहीं माना है। अतः निजी इच्छा निर्मित तनु का क्या अर्थ होगा, भगवान ने अपने शरीर को प्रकट किया है, पर निजी इच्छा माने निजों की इच्छा से प्रकट किया, अपनी इच्छा से नहीं, भक्तों की इच्छा से भगवान ने अपना शरीर प्रकट, ये यहां का अर्थ है। भक्तों ने कहा तब भगवान प्रकट हुए। मनु क्या कहते हैं, मनु कहते हैं जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन करा, मान मान सहसा मन मान सहसा, सगन यगन जेहि निगम प्रशंसा, अरे देखहिं हम स्वरूप भरिलो, देख हम स्वरूप भरिलो, कृपा करहु प्रणतारति मोचन, कृपा करहु प्रणतारति। निजी इच्छा निर्मित तनु, मैं बार बार जानकर संबोधन कर रहा हूं रामचंद्र दास को, निजी इच्छा निर्मित तनु, या कौन समझ करोगे षष्ठी, निजों की इच्छा, और निजी भगवान के कौन कौन है, अरे ये तो जानना पड़ेगा कौन कौन भगवान की निजी भैया जिनकी इच्छा है ये, तो कहते भगवान की निजी पांच लोग हैं। कौन कौन, पांच लोग हैं भगवान के निजी। अच्छा कौन कौन हो, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी और प्रेमी, ये पांच लोग भगवान के निजी, और इन्हीं पांचों की इच्छा है भगवान प्रकट। आप देखो यहां भी यही बात करें, मनु जी पांच का नाम लिया, जो स्वरूप वस्तु मनमाही आर्थ, जही कारण मुन जतन करा ही जिज्ञासु, जो भुसुंड मन मान संसा अर्थार्थी,
सगुण ज्ञानी, अगुण प्रेमी, सगुण अगुण ज्ञानी का प्रशंसा। इन पांचों ने कहा, पांचों की इच्छा है, इन्हीं पांचों की इच्छा का पालन करने के लिए निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण क्या शब्दावली है ब्राह्मण की, पांच से परे हैं भगवान, माया से परे हैं, गुण माने तीनों गुणों से परे हैं, कितने हो गए, चार हो गए, और गो माने इंद्रियों से परे हैं, पांच। भक्तों की इच्छा हुई और भगवान प्रकट हो गए। निज इच्छा निर्मित तनु, यहां निर्मित का अर्थ प्रकटित, क्योंकि जयराम दास जानते हैं, आप लोग भी जान जाएंगे, सिद्धांत यह है वेदांत न्याय का कि जो जिसका जिसका निर्माण होता है उसका उसका नाश होता है। यद यद निर्मितम, यद यद निर्मितम तत्तन्नाशीलम निर्मितत्वात्, जो निर्मित होगा उसका नाश होना है, निर्मित होने के कारण घटवत। यद यद निर्मितम तत्तन्नाशीलम निर्मितत्वात् घटवत्, यह हमने व्याप्ति बना दी। निर्मित का नाश होना है, जिससे घड़े को हम घड़े का निर्माण करते तो उसको पटक तो फूट जाता है, तो जो निर्मित होगा उसका नाश होगा। तो यहां तो निजी इच्छा निर्मित तनु कह रहे हैं, अभी कैसे घटाया जाए रामायण जी। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणे गोपाल। अब क्या किया जाए, तो बहुत बड़ा संकट आ गया। नैयायिक ने कहा यन्य निर्मितम तत्तन्नाशीलम निर्मितत्वात्, हम भगवान के स्वरूप का नाश मानते नहीं, तब क्या किया जाए रामचंद्र दास। तब वैयाकरण ने कहा हम लोग तो कहेंगे, क्योंकि वेद का मुख ही व्याकरण है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो वैयाकरण ने कहा कि निर्मित का अर्थ है प्रकटित, यहां निर्मित का अर्थ क्या है, प्रकटित। भगवान ने भक्तजनों की इच्छा से अपने शरीर को प्रकट किया है, बनाया नहीं है। निर्मितम माने प्रकटितम, तो नई आई को ने पूछा कि कैसे प्रकटितम कहेंगे आप, तो भैया कण के अनेकार्था ही धात्वा, धातु अनेकार्थक होता है, धातु के अनेक अर्थ होते हैं, यहां प्रकटित अर्थ कर दिया। कहा कि धातु के अनेक अर्थों के प्रमाण वहां परम भूव अज्ञान सूत्र में अवज्ञान ग्रहण ही प्रमाण है कि धातु के अनेक अर्थ होते हैं। इसे निज इच्छा निर्मित तनु, भक्तों की इच्छा से ये भगवान ने दिव्य शरीर प्रकट किया है, इसमें
आर्त भक्त की इच्छा ही, जय जय आर्त भक्त की इच्छा ही भगवान का पृथ्वी तत्व है, जिज्ञास भक्त की इच्छा भगवान का जल तत्व है, अर्थार्थी भक्त की इच्छा भगवान का अग्नि तत्व है, ज्ञानी भक्त की इच्छा भगवान का वायु तत्व है, और प्रेमी भक्त की इच्छा भगवान का आकाश तत्व है। बहुत रोचक प्रसंग है ये सब बातें जगन्नाथ जी करवा रहे, नहीं तो हम हमारे बस थोड़ी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण। क्या आनंद है, भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते। एक एक लीला में एक तत्व का प्रयोग भी भगवान करते हैं। बाल लीला में भगवान पृथ्वी तत्व को मुख्य रखते हैं, बालक थे तो पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। जीने बीती न बिहरही सब भाई, जीने बीती न बिहरही सब भाई, थकी ते सब लोग लुगाए, थकित हों सब लोग लुगाए। क्या बात है, क्या सुंदर। बाल लीला में भगवान पृथ्वी तत्व को मुख्य प्रकट करते हैं, अब विवाह लीला में जल तत्व, क्योंकि जल लेकर ही विवाह का संकल्प होता है। जल विवाह लीला में भगवान जल तत्व का प्रयोग करते हैं, बहुत प्रेम। सकल सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निभाई गुरु ही सिर नहाए। आनंद करे भगवान, जल तत्व का प्रयोग करते हैं, इसी से यज्ञ होता है, इसी से यज्ञ होता है। नव मार्जन किए जाते हैं, ओम आप हृष्टा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महिर्णाय चक्षसे, जो वह शिव तमोर सस्तस्य भाजय तेहिन उसते देव मातर तस्मा अरंग मामो यस्य जिन्नथ आपो जने थाचन। ये देखो, जल तत्व का प्रयोग, जल में पवित्रता होती है, सर्वत्र भगवान आनंद कर रहे हैं, सबको पवित्र कर रहे हैं। जल कौन मंत्र है, रामचंद्र से कौन मंत्र है यार, हाँ, ओम अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थान यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरस्थिति। इस सब को पवित्र करता है, अपवित्र को भी पवित्र को भी, और सर्वा अपवित्रा पवित्र को भी। अपवित्र को किसको पवित्र किया राम जी ने विवाह तक विवाह लीला में? अपवित्र तत्व है कौन, मारी सवाहु तारका उनको पवित्र किया, पवित्र है विश्वामित्र जी उनको पवित्र किया, और पवित्रा पवित्र अहल्या जी है उनको पवित्र किया, चकाचक मामला हो गया। इस मंत्र के ऋषि कौन जानते हो ना, ओम अशशि
ओम अससी पवित्र पवित्र कर पवित्रीकरण मंत्र से वामदेव ऋषि अनुस्तुप चंद पुंडरीकाक्ष परमात्मा देवता शरीर पवित्र पवित्र करने भी होगा। भगवान सबको पवित्र कर रहे हैं। जय 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 जय। गोस्वामी जी कहते हैं बर बिलो कि दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे लागे पखारन पाए पंख प्रेम तन पुरखा। अरे लागे पखारन पाए प्रेम तन पुल कावली नवनगर गान निशान जगदो ओम जनु चहु दिशि चली जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजहि जे सुप्रीत सुमिरत विमलता सकल कलिमल भाजहि जे परसि मुनि बनिता नहीं गति रही जो पा पातक मई जय जय रही जो पातक मई मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बर नई करी मधुप मन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लहे ते पद पखारत भाग भाज जनक जय जय सब कहे हे पद भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। आनंद कर दिया आनंद कर दिया। चल बाल लीला में पृथ्वी का बहुत प्रयोग हुआ, विवाह लीला में जल का प्रयोग, और वन लीला में किसका प्रयोग हुआ बताइए? अग्नि का। अब कैसे सिद्ध होगा वन लीला में कैसे अग्नि का प्रयोग हो? अग्नि का अच्छा बताइए आप जानते हैं अग्नि का आस्तिक दर्शन में अग्नि का प्रयोग कहां होता है? अरे हवन में यार और कहां होगा? हाँ राम जी अग्निहोत्र कर रहे हैं वन लीला में वेदी पर मुनि साधु समाज वेदी पर मुनि साधु समाज सिय सहित राजत रघुराज सहित राजत रघुराजो है ना। और अग्नि के प्रयोग का सबसे बड़ा उदाहरण बन लीला में है कि राम जी कहते तुम पावक मह करहु निवासा जब लगी करहु निशाचर। देखिए और रणलीला में भगवान वायु का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें कुछ कहानी नहीं है, ये आकाश में उड़ते हैं सब लोग। नखायुध पादप गिरधारी चले गगनमयी इच्छाचारी लो उड़ते रहते बानर। और कुछ नहीं,
चले मृत्युंचास। अरे और बढ़िया, गुड़ का बाप चूटा हनुमान जी वायु पुत्र चका चले, वो संदेह ही नहीं करना चाहिए। बिना हनुमान जी का युद्ध जी जीत लेंगे क्या राम जी? मन के अगमत में तन सुग में किए कभी काज, महाराज के समाज से साज साजे हैं। देव बंद छोर रन रोड की श्री किशोर, अरे जुग जुग जग तेरी बिरज बिराजे हैं। ये बात आनंद है। और आकाश का प्रयोग राज्य लीला में चलत विमान को लागल हो, चलत विमान को लागल हो, जय रघुवीर कहीं सब को, जय रघुवीर कहीं सब को। आनंद हो गया। इस प्रकार आनंद करें भगवान अति प्यार। मेरी निजी इच्छा निर्मित तनु माया ने पार, भक्तों की इच्छा निजी निज जनों की इच्छा से भगवान ने शरीर धारण किया है। क्या बात है, पांच प्रकार के लोग हैं जो भगवान करें शरीर धारण कर लीजिए। क्यों भाई, कौन कौन पांच प्रकार के हैं वो? वो तो धारणा है, प्रकार सुनिए, सब तुम ही जान लोगे तो फिर हम क्या करेंगे। पांच प्रकार के लोग हैं, शांत भाव के लोग, वात्सल्य भाव के लोग, दास्य भाव के लोग, सख्य भाव के लोग और माधुर्य भाव के लोग। इन पांचों ने कहा कि सरकार अब आप आ जाइए। इन पांचों ने कहा अरे शांत भाव से मुनिसिद्ध सकल सिर परम भयातुर नमतनाथ पदकंजा। शांत भाव के लोग, वात्सल्य भाव मन शत्रुपा दशरथ कौशल्या, दास भाव से हनुमान जी इत्यादि, सख्य भाव से सुग्रीव इत्यादि, मधुर भाव से मिथिला के लोग, सब कह रहे हैं गिरे तरु नख आयुध सब वीरा, आयुध सबीरा, हरे मार्ग चित मति धीरा, हरे मार्ग चित मति धीरा, मारग चित बही मति धीरा। यहाँ का ग्रंथ बहुत कठिन है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवता, अरे निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण। निजी जनों की इच्छा, निजी इच्छा मन अपनी इच्छा, भगवान की इच्छा नहीं, भगवान के भक्तों की इच्छा। दिव्य आनंद कर दिया भक्तों ने। पांच भाव के भक्त हैं, सभी करें शरीर को प्रकट कीजिए और सबका प्रतिनिधित्व मन शत्रुपा कर रहे हैं।
क्योंकि मानव जाति के प्रथम पुरुष तो मनु जी है ना, प्रथम महिला है शत्रुपा जी। इसलिए जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जेहि कारण मुनि जतन करही, जेहि कारण मुनि जतन करही, जो भूषुंडि मन मानस जो मानस हंसा, अगुण सगुण जेहि निगम प्रदेश, अगुण सगुण जेहि निगम प्रदेश, दे गई हम स्वरूप भरि लोचन, दे गई लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन, दे गई हम भरि लोचन, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन, कृपा कर, आनंद कर दिया। ये पांच यहां बहुत अच्छा भगवान ने सुनाया, निजी इच्छा, इन्हीं पांचों ने भगवान के लिए इच्छा की, पांचों ने चाहा, तब भगवान आए, पांचों की इच्छा का पालन किया, और पांचों की इच्छा पालन कर किया क्या, किया क्या, क्या आनंद, क्या किया भगवान ने पांचों की इच्छा का पालन करके, बोले पांच वनों को पवित्र किया, सरयू के तट का वन, अवध वन, मिथिला वन, उपवन, दंडक वन, किष्किंधा वन और सुमेल का वन, देखो देखे, पांच ऋषियों की इच्छा है भगवान को आने के लिए, विश्व वशिष्ठ जी की इच्छा है, विश्वामित्र जी की इच्छा है, भरद्वाज की इच्छा है, वाल्मीकि की इच्छा है और अत्रि की इच्छा है, पांच लोग कह रहे हैं कि आप आइए प्रकट होइए, निज इच्छा निर्मित तन मायाग्नि गपार, क्या बात है, पांच लोग इच्छा कर रहे हैं, इनकी इच्छा का पालन भगवान को करना पड़ेगा नहीं, और रामचंद्र बहुत चुभती हुई बात है, अब की बात अभी अभी जो कहूंगा इसमें तुम सब लोग प्रसन्न नहीं हो जाओगे, क्या पांच माताओं की इच्छा भी है, कौन कौन गिनिए, बड़ी सरल बात है, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीन, अरुंधति जी और सबरी जी, पांच माताओं की इच्छा भी, आप आइए
अवश्य की न। तो कौशल्या जी कह के जी सुमित्रा जी अर्धति जी सुनैना जी पांच हो गई निजी इच्छा निर्मित तनु पांच की इच्छा है आप प्रकट हो गए। पांच की इच्छा है अरुंधति जी अनसुईया जी शबरी जी स्वयं प्रभा जी और तारा जी। हाँ उनको मानते ही मानते तभी तो ये उनको क्या कहते हो नहीं माना ना विवाह नहीं किया उनसे और मधुर भाव की वह बिगड़ और बिगड़ेगा उनको देखकर मातृत्व आ गया मधुर भाव आ गया स्वयं प्रभा में। तो भगवान ने कहा कि अभी तो विवाह आपसे नहीं करूंगा जाइए वैष्णवी देवी होकर के वैष्णव देवी होकर के जम्मू में तपस्या कीजिए कलयुग में जब मैं कल्कि अवतार लूंगा तो आपसे विवाह करूंगा चकाचक आनंद कर दिया। शांत अरुंधति वात्सल्य शांत वात्सल्य अनुसूया दास सबरी सख्य तारा और मधुर स्वयं प्रभा निज बी प्रधेन सुर संत लीन मनुज निज इच्छा निर्मित तन माया गुण विवाह नाम चलते हैं वहां भी निज इच्छा पांच लोगों ने इच्छा की है शांत पहले चलते हैं शांत शांत भाव के लोग कौन ये ऋषिगण है चक्रवर्ती जी महाराज के यहां भिक्षा मांगने विश्वामित्र जी आए चक्रवर्ती का क्या चाहिए आपको तो बोले अनुज समीत देहु रघुनाथ अनुज समीत देहु रघुनाथ निशिचर बध मैं होब सनाथा निशिचर बध रघुनाथ जी को दे दीजिए। शांत प्रकृति के लोग हैं ये शांत भाव से जान रहे हैं कि भगवान है ये शांत भाव जहां होगा बेटा वहां भगवान कहना पड़ेगा वो राघव जी को भगवान के रूप में जाने तभी शांत भाव घटेगा। शांत ऐश्वर्य संपन्न जहां भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान हो। अब विश्वामित्र क्या कह रहे हैं प्रभु प्रघमय देव मै जाना प्रभु ब्रह्मण्य देव मै जाना मोहिनीत पिता तजेउ भगवान देखे शांत ये राघव जी को भगवान जानते हैं कौन विश्वामित्रादि ऋषिगण ये जानते कि भगवान हैं। कौन चुपाई है वो गांध तनय मन चिंता व्यापी बिनु हरि हरि बिनु मरहि निश्चिन तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतरे इनके ये शांत भाव है प्रभु है ये
विचार किया, ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही जप किया, जप करके विचार किया, अरे गायत्री प्रकट हो गई, गायत्री का पागल हो गया हो, कहां ढूंढ रहे हो, अरे ये देखो सरयू के किनारे खेद रहे हैं और मेरी और मेरे गायत्री में, गायत्री कह रही है विश्वामित्र को कि मेरे मंत्र में कितने क्षण है बताओ, विश्वामित्र 24, तो कहा यही है 2400 अवतारों की अवतारी, पकड़ लो इनको। अरे सरज के तीर आज खेले रघुनंदन लाला, सरज के तीर आज झूम जाओ, आज खेले रघुनंदन लाला, सरज के तीर नूतन उमंग खेले तरल तरंग खेले, नूतन उमंग खेले तरल तरंग खेले, अरे अनुजन के संग आज खेले रघुनंदन लाला, आज खेले रघुनंदन लाला, सरज के आज खेले रघुनंदन, मंद मुस्कान खेले धरे धनवान खेले, मंद मुस्कान खेले धरे धनवान खेले, मंद मुस्कान खेले छटान आज खेले रघुनंदन लाला, ललित छटान आज खेले, हे हो रघुनंदन लाला प्यारे रघुनंदन लाला, हो रघुनंदन प्यारे रघुनंदन लाला, रे सरज के तीर आज खेले रघुनंदन लाला, सरज के मलय शरीर खेले कोमल कुटीर खेले, मलय शरीर खेले पावन कुटीर खेले, अरे श्यामल शरीर आज, अरे श्यामल शरीर आज खेले
घर के चीते चोरी खेले रघुनंदन लाला गुरुवर के चीते चोर खेले रघुनंदन लाला सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन हे हो रघुनंदन लाला राघव रघुनंदन लाला हे हो रघुनंदन लाला राघव रघुनंदन लाला सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन लाला सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन लाला बोलिए रघुनंदन लाला की जय हो। शांत दिखे शांत इस शांत भाव के उपासक हैं वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी जितने ऋषि हैं इस शांत भाव के उपासक और उधर बोलो मत ए चुप जब मना कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं निज इच्छा निर्मित तनु पांच प्रकार के भक्तों की इच्छा है जिनका नाम हम पहले कह चुके आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी अर्थार्थी ज्ञानी और प्रेमी और पांच भावकों की इच्छा है शांत भाव वात्सल्य भाव दास्य भाव सख्य भाव माधुरी भाव चलिए विवाह लीला इसी में तो गतार्थ होती है विश्वामित्र जी शांत भाव के व्यक्ति हैं और कह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात् सविता का भी जो देवता है तो सविता के सविता माने क्या होता है जानते हो तुम रो नहीं वेद का वाक्य है सविता माने सूर्य सविता माने सूर्य हम लोग उनको सूर्य कहते हैं वेद में उनको सविता कहते हैं सविता अब तो लड़कियों का नाम भी लोग सविता रखने लगे हैं और कुछ लोग जाति का नाम भी सविता रख लिए हैं आजकल पर सविता माने सूर्य और षष्ठी लगी है तो सविता का भी देव देवता है सूर्य नारायण का देवता कौन होगा जो सूर्य मंडल में स्थित रहता है सूर्य मंडल मध्यस्थम जय हो रामं सीता समन्वितं नमामि पुंडरीकाक्षं अमेयं गुरु तत्परम् इसे ओ राम जी तो विश्वामित्र की इच्छा है वशिष्ठ की इच्छा है आप शरीर को प्रकट कीजिए निर्मित करेंगे निर्माण करेंगे तो नाश हो जाएगा राक्षस नष्ट करेंगे प्रकट कीजिए
जिसे मारीच नहीं मारीच का बाप जिसे नाम नष्ट ना कर सके, प्रकट कीजिए। निज इच्छा निर्मित तनु। शांत ऋषिगण शांत। विश्वामित्रो यदवहत यदवहत सुदासम, वेद का मंत्र है। विश्वामित्र कहते हैं आप शरीर को प्रकट के मैं आपको गोद में लूंगा। शोभना दासा ये न सुदासस्तम सुदासम, जहां दास जिनके द्वारा दासों को सुंदर बना जाता है, ऐसे प्रभु अवहत गोद में लेना चाहते हैं विश्वामित्र जी। आय हाय, गोद में ले अवहत माने हो तो गोद में ले गया, गोद में लिया। विश्वामित्र जी को, विश्वामित्र ने देखा राम जी को, विश्वामित्र ने देखा भाव आगे गोद में लू। परसी कमल कर शीश हर सी ही एला वही, परसी कमल कर शीश हर सी एला प्रेम पयो धी मगन मुनि पार न पावई, प्रेम पयो धी मगन मुनि पार न पावई। जानकी मंगल परस कमल कर शीश हर से राम ही, भाव आ गया अपने बच्चों को तो गोद में लिया नहीं है, पर राम जी को गोद में लेना चाहते हैं विश्वामित्र जी। अरे भय मगन देखत मुख सो भय मगन देखत मुख सो जन चक्र पूरन शशि लोभा, जन चक्र पूरन पूरन शशि लोभा। ये देखे विश्वामित्र जी निज इच्छा निर्मित तनु, इनकी इच्छा है कि भगवान आप आइए। क्यों मुझे बुला रहे हो? क्योंकि मैं हम जानते हैं आप भगवान हैं। गाधी तनय मैन चिंता व्यापी गाधी तनय मन हरि बिनु मरी ही न निशिचर पापी, हरि बिनु मरी ही न निशिचर पापी, हरि बिनु मरी ही न निशिचर पापी, हरि बिनु मरी ही निशिचर हरी बिनु मरी ही न निश्चर पापी, बिना हरी के ये पापी निश्चर नहीं मरेंगे। अतः इच्छा की भगवान आप प्रकट हो जाइए। आप प्रकट होंगे तभी ये राक्षस मारे जा सकेंगे। ये तो काल से भी नहीं मर रहे हैं, यमराज को भी इन्होंने बंदी बना रखा है, कैसे मरेंगे? काल कलयतामहम,
मारने वालों में भगवान अपने काल कह रहे हैं, पर काल भी तो इनके बंदी रावण के बंदी खाना में है, तब कैसे मरेंगे? इसलिए ऋषियों ने इच्छा की है कि प्रभु आप प्रकट हो। हरि बिनु मरीन निश्चर पा। इसलिए विश्वामित्र शांत भाव के उपासक हैं विश्वामित्र, और कह रहे हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत निशिचर बध मह होब सना, देखो है कहीं निजीक्षा निर्मित तनु विश्वामित्र को मांग लिया। चक्रवर्ती ने कहा मैं तो नहीं दूंगा, और हाथ जोर पाय परी करी ला बिनतिया हे, अरे बक्सर के बाबा हाथ जोर पाय परी करी ला बिनतिया हे बक्सर के बाबा, अरे देत ना बने लेन बबुआ राम हे बक्सर के बाबा, देत ना बने लेन बबुआ राम हे बक्सर के बाबा, देत ना बने लेन बबुआ राम देते ना बने लेन बबुआ राम हे बक्सर के बाबा। राम जी की बात अबही बारी है बयसिया बाबा, राम जी के बात अबही बारी है बयसिया बाबा, बारी अरे कैसे ये करी है संग राम हे बक्सर के बाबा, कैसे ये करी है संग राम हे बक्सर के बाबा, देत ना बने बबुआ राम हे बक्सर के बाबा। ठीक है, मना कर दिया। यहां शांत और वात्सल्य निज इच्छा निर्मित तनु, शांत भाव है विश्वामित्र का और वात्सल्य भाव है दशरथ जी का। कह दिया राघव को मैं न दूंगा, रामवीर जी राघव को मैं न दूंगा, मुनि नाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, मुनि नाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते राघव को मैं दूंगा, जल के बिना
शरीर धारे पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहार कौशिक सिहर रहे हैं कौशिक राघव को मैं न दूंगा ओ मुनीना मैं न दूंगा। ये बात सर विश्वामित्र विश्वामित्र कुछ भी करिए आप राघव को मैं न दूंगा। क्यों नहीं दोगे? मैंने सस्ते में तीन ही नहीं पाया। कर यत्न चौथे पन्न में सुत चार मैंने पाए पितु मातु परिजनों चकोर तन में छवि पान करते करते सुधा पान करते करते राघव प्रभु को होगा स्मशान को मंगल भवन के जाते कहा सींचे कृपालु तरु को कृपालु तरु को मृदु पात झरते झरते सर्व पात झरते झरते राघव प्रभु को दे बनता नहीं गोसाई बनता नहीं गोसाई कहियो पड़े चरण में कहियो पड़े चरण त्रिगणीर धरते धरते राघव को मैं न दूंगा राघव को मैं न दूंगा। देखिए शांत और वात्सल्य दोनों की संधि यहां हो रही है। विश्वामित्र जैसा कोई शांत नहीं है और दशरथ जैसा कोई वत्सल भी नहीं है।
विश्वामित्र जैसा किसी को ज्ञान नहीं है और दशरथ जैसा किसी को प्रेम नहीं है, दोनों का टकराव। अब ऋषि ने कहा वशिष्ठ जी, तब वशिष्ठ को भी समझावा। वशिष्ठ जी ने इनको बहुत प्रकाश से समझाया, वशिष्ठ ने बहुत प्रकाश समझाया, बहुत प्रकार समझाया। महाराज का संधि दूर, क्योंकि निज इच्छा निर्मित तनु। वशिष्ठ जी ने कहा तुम जानते तो हो श्रृंगी को मैंने बुलाया था ना, तुमने तो श्रृंगी को नहीं बुलाया था, नया यहां कह रहे। वशिष्ठ जी कह रहे हैं श्रृंगी को तुमने बुलाया था, सही बताओ। अन्य ग्रंथों में भले दशरथ जी ने बुलाया हो पर रामचरितमानस में श्रृंगी जी को दशरथ जी ने नहीं बुलाया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, मैंने बुलवाया श्रृंगी जी को, मैंने तुमको ये संतानें दी हैं, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, यज्ञ के लिए इनको बुलाया गया है, तो जहां जहां यज्ञ होगा वहां वहां यज्ञ की रक्षा करने के लिए इन्हें जाना पड़ेगा। ये तब वशिष्ठ बहुविधि क्योंकि विश्वामित्र प्रियं दान्तं सदारणीयतं सदारणीयत व्रतं यज्ञेशं यज्ञपुरुषं यज्ञपालन तत्परं। यज्ञ की रक्षा में तत्पर हो क्या इनको, इनको क्यों छुन्नुबुन बना के रखोगे क्या तुम? जहां जहां यज्ञ की रक्षा होगी वहां वहां इन्हें जाना पड़ेगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा, ये जब बात कही तब तब उनका संदेह। फिर ऐश्वर्य आ गया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाशक पावा, ले चले वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी मोहिले पिता तेजो भगवान। अरे राम तो भगवान है, जब भगवान है तब तो छह काम करेंगे। ऐश्वर्य का प्रयोग करेंगे, धर्म का प्रयोग करेंगे, यश का प्रयोग करेंगे, श्री का प्रयोग करेंगे, ज्ञान का प्रयोग करेंगे और वैराग्य का प्रयोग करेंगे, करें और किया। शांत निज इच्छा निर्मित, वशिष्ठ जी ने कहा मेरी इच्छा से आए हैं। श्रृंगी से ही वशिष्ठ बोला, श्रृंगी से वशिष्ठ काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आनंद कर दिया
यहां भी यज्ञ की रक्षा हो रही है। तारका का वध किया भगवान ने, विद्या दीना सारे आयुध भगवान के पास आ गए, उन्हीं के थे उन्हीं को सौंप दिए, आनंद कर दिया, यज्ञ की रक्षा हुई शांत। निजी इच्छा निर्मित अंतिम प्रयोग है यहां, यज्ञ की रक्षा करके भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ मिथिला आ रहे हैं। अहल्या जी का स्थान देखा, आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु तहना। देखा पूछा मनुष्य राम प्रभु देखी, तब विश्वामित्र ने कहा भगवान धियो जो ना प्रचोदयात, हम सूर्य के देवता आपका तेज ध्यान करते हैं, न धिया प्रचोदयात, हमारी बुद्धियों को सत्कर्म में लगाइए, ये अहल्या हमारी बुद्धि है, इसको दूषित कर दिया इंद्र ने, इसको चरण कमल से पवित्र कीजिए। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी धी चरण कमल रज चाहती कृपा करो कृपा करिए। क्या आनंद कर लिया ऐश्वर्य पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पूरक शरीरा अति प्रेम अधीरा पूरक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही अतिशय चरण लागे जुगल नयन जलधार वही परसत पद पावन। हरि प्रभु आनंद कर दिया शांत। निज इच्छा निर्मित तनु वत्सल, वत्सल भाव के लोगों की इच्छा से भगवान से निर्धारण किया। शांत लोगों ने कहा हम भगवान को देखना चाहते हैं, हम तो भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान शरीर धारण करने हम देखना चाहते हैं। और बत्सल लोग ने कहा कि हम तो भगवान के रूप में अपनी संतान देखना चाहते हैं। यहां तो सुत विषयिक तव पद रति हो सुत विषयिक तव पद रति हो
मोही बड़ मूढ़ कहई किनको क्या बात आनंद कर दिया शुद्ध से तो दिन देखो आनंद हो गया शुद्ध तपद्रित हो पुत्र विषय प्रेम आपके प्रति हमारा दशरथ जी कौशल्या जी मन शत्रुपा और ये जनक जी और सुनैना जी हर्ष चले मुरिबृंद सहाया बेग विदेह नगर निराया देखे इनकी इच्छा है ये चाहते हैं कि भगवान आए उनको बेटा बनाकर हम दुलारें आनंद हो रहा है शांत भाव का व्यक्ति कहता भगवान हम आए हम निहारे ये कहते हम दुलारे हम निहारेंगे दुलारेंगे क्या आनंद हो रहा है दशरथ जी कौशल्या जी सुनैना जी और भगवान जनक जी ये तो मूर्ति मधुर आहा मनोहर देखी मूर्ति मनोहर मनोहर देखी भय विदेह विदेह विशेष भय क्या जान रखे मूर्त मधुर मनोहर देखी अयोध्या कांड में स्पष्ट कहेंगे क्या कह बारकन में कह रहे हैं सहित विदेह बिलोक ही रानी शिशु सम प्रीति क्या शिशु सम प्रीति न जाति मखन सिय स्नेह बाढ़त बट जोहा तापर राम प्रेम शिशु क्या बात है निज इच्छा निर्मित तनु ये तो कह रहे हैं कि अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए तो क्या चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए अरे अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे आप काम पूर्ण काम राम मुझे चाहिए आप काम पूर्ण काम राम मुझे चाहिए आप काम पूर्ण काम राम मुझे चाहिए शोभा धाम करुणा धाम राम मुझे चाहिए कमला का ललित ललाम चाहिए कमला ललित ललाम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या
राम चाहिए अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए परब्रह्म परम धाम राम मुझे चाहिए परब्रह्म परम धाम राम मुझे चाहिए इंद्र नील मणि श्याम नील सरोरुह श्याम राम मुझे चाहिए नील सरोरुह श्याम राम मुझे चाहिए इंद्र नील मणि श्याम राम चाहिए इंद्र मणि नील श्याम राम चाहिए कौशल्या धर्म काम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कोटि मन्मथाभिराम राम मुझे चाहिए कोटि मन्मथाभिराम राम मुझे लोकनाथ नाभिराम राम मुझे चाहिए लोकनाथ नाभिराम राम मुझे चाहिए अरे राम भद्राचार्य को अभिराम चाहिए राम भद्राचार्य को अभिराम चाहिए कौशल कुमार मुझे राम मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए मोक्ष चाहिए स्वर्ग धाम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए देखिए ये सही है वो करे मुझे अर्थ काम नहीं चाहिए कौशल्या कुमार राम चाहिए कैसे इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बिलोकत अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा ब्रह्म सुख मन त्यागा कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए पुनी पुनी सुंदर श्याम गौर दौ भ्राता सुंदर श्याम गौर दौ भ्राता आनंद हुके आनंद दाता आनंद हुके आनंद दाता कौशल्या कुमार मुझे चाहिए कौशल्या कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए देखिए निज इच्छा निर्मित तनु इनकी इच्छा है कि भगवान प्रकट हो जाए
प्रकट होके तभी तो धनुष तोड़ेंगे। शांत वात्सल्य, और तीसरे भाव का नाम है दास्य। दास्य भाव के भक्त भी चाह रहे हैं भगवान धनुष प्रकट हो जाएं। दास्य भाव के लोग चाह रहे हैं भगवान प्रकट हो जाएं। दासन पति हनुमान, दासों के पति हनुमान जी हैं, हनुमान जी के बहुत मनोग्राम जी प्रकट हो जाएं, प्रकट हो जाएं और मैं बारात चलूं। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, आप सुनकर बहुत आश्चर्य आपको लगेगा। प्रमाण दूंगा मैं कि राम विवाह में हनुमान जी भी बारात में गए थे, ये मुझे प्रमाण देना है। राम विवाह में हनुमान जी भी बारात गए थे। कवितावली के बालकांड के अंतिम छंद में प्रमाण है, जब राम जी का विवाह हो गया, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, बैठक हुई, बहुत लोग बैठे, जिसमें सरस्वती जी बैठी, ब्रह्मा जी बैठे, पार्वती जी, शंकर जी, शेष जी, गणेश जी, लोमस जी और भुसुंडी जी, नारद जी, नौ लक्ष्मी जी, नारायण जी और हनुमान जी, ये 12 लोग बैठे। और एक प्रस्ताव, जैसे विश्व सुंदरी का प्रस्ताव होता, तो विश्व में सबसे सुंदर दूल्हा दंपति कौन, तो वाणी विधि गौरी हर शेष हूं गणेश कही, सही भरी लोमस भुसुंडी बहु बारिशों, चार दस भुवन निहारी चानर नारी सब, नारद सो परदान नारद सो पारिको, तिन कही जग में जग मगत जोड़ी एक, दूजो को सुनैया को कहैया चख चारिको, रमा रमा रमन सुजान हनुमान कही, सीय सीन तीन न पुरुष राम सारिको। अब तो प्रेम से ताली बजाओ हनुमान जी के लिए। हनुमान जी बारात में गए, हनुमान जी पूछा गया तुम बानर हो, बारात में कैसे जाओगे, और वहां तुम्हारी वीरता नहीं चलेगी, मिथिला के लोग यार डंडे से मार के भगा देंगे तुम। कच्छत एक काम करते हैं, क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा मैं राम जी का घोड़ा बन जाऊंगा, राम जी का घोड़ा बन जाऊंगा। संस्कृत में हरि माने बानर भी होता है और हरि माने घोड़ा भी होता है, तो हनुमान जी राम जी के घोड़े बन गए। हरी हित सहित राम जय बजो हे, हरी हित सहित राम जब जो हे, रमा समेत रमापति मो, विशेषण दे रहे। हरि के सब
हरि शब्द के अर्थ देखिए रामचंद्र, यमार्क यमार्क चंद्र यमार्क यमानिलार्क चंद्रांशु यना यमानिला यमानिलेंद्र चंद्रार्क यमानिलेंद्र चंद्रार्क सिंह विश्वंस बाजसु सुकाहि कपि भेकेशु हरिनाक कपिले त्रिशु यमानिलार्क चंद्र यमानिलेंद्र चंद्रार्क हरिमाने यम हिनमाने हरिमाने वायु हरिमाने इंद्र हरिमाने चंद्र हरिमाने अर्क माने सूर्य हरिमाने विष्णु हरिमाने सिंह हरिमाने अंशु माने किरण हरिमाने घोड़ा हरिमाने सुक तोता हरिमाने अहि अहि माने सांप और हरिमाने भेक मेढक और हरिर ना कपिले कपिल वर्ण। इस प्रकार इतने हरि के अर्थ हैं। यहाँ हनुमान जी हरि हित हितैषी बानर के सहित राम जी को देखा। वास्तव में हितैषी बानर हनुमान जी ही राम जी के घोड़ा बन गए, चका चका बन गया। कामदेव ने केवल कामदेव ने केवल उस घोड़े को सजाया, जनुबास बाज बेश सजाई, जनुबाज बेश बनाए, मनसिज राम हित सोई और चकाचक हो गया। तो घोड़ा बनकर हनुमान जी राम जी को पीठ पर बिठाए और चकाचक, अरे माई है रामचंद्र दुल्हा सुहावन लागे, अति मन भावन लागे हे रामचंद्र दुल्हा सुहावन लागे, अति मन भावन लागे मई है न जानू कौशल्या की कोखे गुन की दुल्हा के रूपे गुने है, ना जानू कौशल्या की कोखे गुन के दुल्हा के रूप गुने है, ना जानो कि कौशल्या जी की कोखे गुन के रूप गोने माई माथे मणि मरिया सुहावन लागे, अति मन भावन लागे ओ माई है माथे मणि मरिया सुहावन लागे, अति मन भावन माई है न जानू कि मलिनिया के हाथे गुण की दुल्हा के माथे गुने हे, माई न जानू कि मलिनिया के हाथे गुण जय हो जय हो दुल्हा के माथे गुने माई है न जानू मई है एनी में महावर सुहावन लागे, अति मन भावन लागे मई एनी महावर सुहावन लागे, अति मन भावन लागे। अरे माई है न जानो कि नौनिया के हाँ।
माथे गुन की दुल्हा के चरण गुन हे भाई ना जानू के नौ के दुल्हा के चरण गुन हे माई हे अखिया में कजरा सुहावन लागे अति मन भावन लागे हे माए अखियों में कजरा सुहावन लागे अति मन भावन लागे माए हे न जानो की बहिनिया के हाथे गुन की दुल्हा के आंखे गुन माये ना जानो बहिनिया के हाथे गुन के दुल्हा के आंखे बोलिए भक्त से भगवान की मिथिला में भगवान आ रहे हैं आ रहे हैं। और दासों के लिए विप्र निज इच्छा निर्मित तनु दासों की इच्छा है भगवान आप प्रकट होइए आपके बिना कोई शंकर जी का धनु नहीं तोड़ सकता प्रकट हो जाइए भगवान धनुष तोड़ दीजिए ये दासों की इच्छा निज इच्छा निर्मित तनु तो तात्पर्य है हर ही सहित राम दासन पथ हनुमान चौथा भाव है निज इच्छा निर्मित तनु भगवान से जिनका सख है जो भगवान में सख रखते हैं वो मिथिला की सखियां मिथिला के सीता जी के भाई जो राम जी को जीजा मानते हैं जिन जो राम जी को कहेंगे कि राम जी हमको साला कह दीजिए उनकी भी इच्छा है सब शिशु यही मिस प्रेम बस परस मनोहर गात तन पुल कहीं अति हर्ष ही है देखी देखी दो रात इन बालकों की इच्छा है सब राम प्रेम बस जाने प्रीत समेत निगर भाने निज निज सब ले बुलाई सहित सने जाए दो भाई निज इच्छा निर्मित तरु जितने सखा है भगवान के अवध के सखा मिथिला के सखा निषाद राज और उधर सुग्रीव जी विभीषण जी इन सखाओं की इच्छा है विप्रधेन सुर संत तलीन मनुज अवतार निज इच्छा और अंत में माधुर्य माधुर्य भाव की उपासका सीता जी हैं उनकी इच्छा है इसलिए तो राघवानन सुधाकर चकोरी सिया मर्त्य भू पर भी आई प्रभु के लिए राघवा चकोरी सिया मर्त्य भू भू पर आई प्रभु के लिए होके जननी जगत की जनक गेह में होके जननी जग जनक बालिका बन के जाई प्र
प्रभु के लिए मन सनक न दिलिए मर्त्य भू पर ध्यान प्रभु के लिए हर चलाया जनक ने पुनो राम ही हर चला हर चलाया जनक ने पुनो राम ही फाड़ भूमि को हार भूमि के तल को किशोरी स्वयं हार भूमि के तल किशोरी स्वयं आठ सखियों से संज आठ सखियों से संज कनक मणि रचित आठ सखियों से कनक मणि रचित बैठ सिंहासन पे आए प्रभु के बैठ सिंहासन पे आए प्रभु के लिए राग जनक नंदिनी मर्त्य भू पर ध्यान प्रभु के लिए बैठे सिंहासन पे भाई प्रभु के लिए देव बर से सुमन देव बर से सुमन नाचे सब देवगण नाचे मोद मिथिला भवन मोद मिथिला भवन हर से तन और मन मोद हर से तन और मन बनके छोटी किशोरी जनक अंक में बनके बन फिर से बन के छोटी किशोरी जनक अंक में बनके जनक अंक में बाल लीला रचाई प्रभु के लिए बाल लीला रचाई प्रभु के लिए बनके छोटी किशोरी जनक अंक में बाल लीला रचाई प्रभु के लिए जनक अंक में बाल लीला रचाई प्रभु के लिए राघवा आनंद सुधाकर किशोरी सिया ऊपर है आए प्रभु के लिए राघवानंद सुधा किशोरी सिया मर के पूजी गिरिजा गणप को
जी गिरी जागन को नहा कर मुदित गिरी जान नहा कर मुदित जोग जप तप किया राम जोग जप तप किया राम संगम निमित जोग जप तप किया राम संगम निमित संग गिरी जा को पार संभु गिरी जा मना कर शंभु गिरी जा मनमा कर मधुर भाव से शंभु गिरी जा मना चाप प्रभु से तुड़ाई प्रभु के लिए चाप प्रभु से तुड़वाई प्रभु के लिए राघवानंद जनक नंदिनी मर्त्य भू पर है आए प्रभु के लिए आके कौशल में राघव की पत्नी बनी आके कौशल में राघव पत्नी बनी रण में लंका में रावण का करके दमन रण में लंका में रावण का करके दमन से गिरीधर की इसे गिरीधर की पुष्पक पे चढ़ कर सियाई से गिरीधर के पुष्पक पे चढ़ के सियाई अरे राज रानी कहाई प्रभु के लिए राज रानी कहाई प्रभु के लिए इसे गिरीधर की चढ़ कर पुष्पक सिया इसे गिरीधर की पुष्पक पे चढ़ी के सिया राज रानी रानी कहाँ प्रभु के लिए राघवानंद चकोरी सिया मर के भू पर है आए प्रभु के लिए बोली भगवती सीता जी की निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा निज इच्छा माने अपनी इच्छा नहीं निज इच्छा माने अपने जनों की इच्छा निज इच्छा अरे अपने जनों की इच्छा से हाँ हे राम आज क्या हो गया मुझको कोई बात नहीं अपना घर है निजी इच्छा अपनी इच्छा से नहीं निर्मित शरीर को बनाया निजी इच्छा माने
अपने निज जनों की इच्छा से शरीर को प्रकट किया और शरीर को प्रकट करने पर ये आठों विशेषताएं प्रकट की। बिनो पद चले सुनई बिन काना कर बिन कर करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन मानी वक्ता बन जो तन बिन परत नयन बिन देखा गहि ध्यान बिन बासिर से निज इच्छा निर्मित तनु। यहां कर्मधार नहीं है, निजाचा सब इच्छा नहीं, अपनी इच्छा नहीं, यहां षष्ठी तत्पुरुष है निजा नाम इच्छा, अपने भक्तों की इच्छा से निर्मित का अर्थ क्या मैंने आपको बताया, प्रकटित, अपनी अपने भक्तों की इच्छा से भगवान ने शरीर को प्रकट किया, बनाया नहीं, बनाते तब तो शरीर नष्ट हो जाता। यज्ञ निर्मितम तत्तन्नाशशीलम निर्मितत्वात् घटवत् घटाधिवत् व्याप्ति इतावता। जब प्रकट किया आठों विशेषताएं आ गए, बिन पद चले बिना चल के चले, विश्वामित्र के साथ सुदूर, विश्वामित्र सोच रहे थे कैसे जाएंगे सिद्धार्थ आश्रम में, एक कई दिन की बात है, दसों मिनट नहीं लगे पहुंच गए, विश्वामित्र को लेकर लिया पूर्ण पहुंच गए। सुनाई बिन कहना, बिना कान के सुन लिया, सब लोग हाहाकार कर रहे थे, ऋषिगण तारका को मार डाला, करे बिन कर्म करे बिना ना, बिना हाथ के अनेक कर्म किए, सारे आयुष ग्रहण कर लिए, युद्ध में कुछ नहीं किया, बिन फर बाण राम तही मारा, बिना फर के बाण मारा, पर धनुष को चढ़ाते किसी ने देखा क्या, किसी ने भी धनुष पर बाण चढ़ाते नहीं देखा, पावक से सुबहपुर जा रहा, किसी ने आग्नेय बाण चढ़ाते नहीं देखा, बिना हाथ के बाण चढ़े और सब काम हो गया। आनंद कर जा, कर बिनु कर्म करे बिना, अनेक कर्म कर डाले, यज्ञ की रक्षा कर डाले, चकाचक सभी ऋषियों को प्रणाम कर लिया, आनंद कर आनंद रहे, ऋषियों ने भोजन दिया, कंदमूल फल भोजन दीन भगत जाओ, सब चकाचक नमो राघवाय खा लिया, आनंद रहित सकदस भोगी। जल नहीं दिया ऋषि ने, भगवान का जब मुख से खाई नहीं रहा हूं तो जल की आवश्यकता क्या है, चकाचक रहेगा, बिन बाणी बक्ता बन जोगी, बाणी कब रंग प्रात कहा मुनि संद्र हृदय निर्भय जग यज्ञ करिए, जो कुछ होगा होगा, नमो नमो राघवाय, तन बिन परस बिना शरीर के स्पर्श, परसत पद पावन सो के सावन प्रकट भई, तब स्पर्श कर दिया चरण का, अहल्या तर गई दाव जाओ, नयन बिनु देखा, बिना आंख आंख बंद किए भी भगवान ने देख लिया, दूर से देख लिया,
रावण के अत्याचार से सब लोग आप दुखी हो रहे हैं। कोई बात नहीं, चकाचक सब देखा विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कर्म समते ही कैसे देख लिया, नयन बिन देखा, बिना घ्राण के घर भ्राण घ्राण बिन बास से सरा, बिना घ्राण सारे सब सब कुछ सूंघ लिया, गंधमाला सब सूंघ ली धनुष की, धनुष को उठाया और तेह श्री राम मध्य भिन तो धन तोरा भ्रम भुवन निगुर तोड़ दिया धनुष। लाओ सीता जी ने बनवा, सीता जी ने जयमाला पहनाई, रघुबर उर जयमाल देख देव बर शेष मन, सकुचे सकबर सही सुमन सकुचे सकल भुवान, जन बिलो की रवि कुमुद गण, आनंद कर दिया विवाह। परशुराम जी, परशुराम भारी तो ईश्वर हैं, इनमें नौ विशेषताएं देख रहा हूं, ये बिना पक्ष चले, बिना कान के सुन लिया, बिना कान के हाथ के धनुष को तोड़ दिया, बिना मुख सब कुछ खा लिया मिथिला में चकाचक, बिना वाणी के बोल दिया बहुत बड़े योगी हैं ये छे, बिना शरीर के छू लिया मुझे भी, बिना आंख के देख लिया, बिना घ्राण के सूंघ लिया, नौ बातें नौ विशेषताएं इनमें देखी। इसे परशुराम जी ने भगवान राम के लिए नौ बार जय जयकार कहा, जय रघुवंश बनज बन भानु गहन धनुज कुल दहन कृशानु, जय पहली बार, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, दूसरी बार, जय मद मोह कोग ब्रह्म, तीसरी बार, विनय शील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अतिना, चौथी बार, सेवक सुभग सुखद सुभग सभयंगा, और जय शरीर छवि कोणी अनंगा, पांचवी बार, करो एक मुख काह प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, छठी बार, कही जय अनुचित नहीं कहा है, कही जय 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 रघुकुल के तू, और भृगुपति गए बनही तपने तू, नौ बार जय कहकर बिनु पग चले, सुने बिनु कान दो, करे बिनु कर्म करे बिना तीन, आनंद रे से कदर उचार, बिनु वाणी वक्ता पांच, बड़ जोगी छह, तन बिन पर सात, नयन बिन देखा आठ, गहे घ्राण बिन बास से सा, नौ नौ अलौकिक करनियों के लिए नौ बार जय कहा परशुराम जी ने। बोले भक्त भगवान की, आनंद कर दिया, विवाह में आ रहे, विवाह में आ रहे हैं, मिथिला बारात आई, बारात मंगल मूल लगन दिनावा हिमृत अगहन मास सुहावा, द्वार पे आए, क्या आनंद हो रहा है, द्वार पे भगवान के सामने देखा, आनंद किया, परछन हुई, कर आरती अर्घ, तीन दिन आरती हुई, अर्घ दिया, राम जी मंडप में आए, गणपति गौरी की पूजा की छह, होम किया सात, कन्यादान हुआ आठ, भावरी हुई नौ, चका चक आनंद कर दिया, बिनु पद चलई सुनई बिन का, कर बिन कर्म करे विधिना, आनन रहित सकल रस भो, बिनु वाणी बकता बड़ियो, आनंद कर दिया भगवान ने। परछन अर्घ्य आरती, अर्घ्य आरती,
मंडप गमन, गणपति गौर पूजन, होम, पाणी ग्रहण, चरण प्रक्षालन, पाणी ग्रहण, भावरी आठ, राम शीर्ष सिंदूर नहीं नौ, नौ क्रियाएं भगवान ने की। इन्हीं नौ विशेषताओं के आधार पर आनंद कर दिया भगवान ने। राम 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 सिय शिर सिंधुर देहि, राम सिय शिर सिंधुर देहि, शोभा कही ना जाति विधि के ही, कहिन जाति विधि के। राम जी सीता जी के सिंदूर दे रहे हैं, राम सीता जी का, राम सीता जी के, सीता जी का विवाह, भरत मांडवी का विवाह, लक्ष्मण उर्मिला का विवाह, शत्रुघ्न सुतकीर्ति का विवाह, दिव्यानंद हो गया। बोले भक्त सर भगवान की। इस प्रकार विवाह लीला संपन्न, शेष चर्चा कल। तरंग में विलंब हो गया, कोई बात नहीं है, अपना घर है। आप सबका मंगल हो। पुस्तकें हमारी बहुत सी हैं, क्रय कीजिए। एक पुस्तक मैंने निकाली है मानस में 30 कथाएं, आपको पूरे मानस जी की कथाओं का पता चल जाए कितनी कथाएं हैं मानस जी में। ये पुस्तक सब लोग अवश्य ले लीजिए, मानस में 30 कथाएं, सब लोग लीजिए, संकोच छोड़कर, संकोच छाड़ी, मानस में 30 कथा पुस्तक क्रय करंतु। आपका मंगल हो। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। सुभद्रा बलभद्र जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जय श्री सीताराम। युवराज आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधा रस की, आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधा रस की, जो शंकर ही हमें प्रगटानी प्रगटानी, वो सुननी मन में होले धानी होले सानी, लसी मुनि आज्ञ वल्क बानी बानी, श्री तुलसीदास कहे सहुलास, सुकवित विलास रघुनाथ विमल जय हो। राम सिय कीर्ति सुधा रस की, आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधा रस की, बिरति वर भक्ति ज्ञान दाता दाता, सुखद पर लोक लोक त्राता त्राता, पढ़त मन मधुकर हर साता हर साता, सत सो पार सुवेद पुराण शास्त्र इतिहास समंजस की, राम सिय कीर्ति सुधा रस की, आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधा रस की, सोरठा दोहा चौपाई, छंद रचना अति मन भाई,
बिरचि बर तुलसीदास गाई गाय नर नार होत भव पार मिटे दुखवार हरे मन कटुता कर कश की राम सिय कीर्ति सुधा रस की आरती श्री मन मानस की राम सिय कीर्ति सुधा रस की ललित यह राम कथा गंगा सुनत भव भीति होत भंगा बस हुई हनुमत श्रीरंगा राम को रूप ग्रंथ को भूप हरे तम को जीवन धन गुरुवर सर्वस की राम सिय कीर्ति सुधा रस की जीवन धन गुरुवर सर्वस की राम सिय कीर्ति सुधा रस की आरती श्री मन मानस की राम सिय कीर्ति सुधा रस की राम सिय कीर्ति सुधा रस की राम सिय कीर्ति सुधा रस की।